हाय वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील कंपनी के बारे में, यानी कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे टाटा स्टील कंपनी के बारे में। स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं टाटा स्टील का टेक्निकल एनालिसिस। अगर टाटा स्टील कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो आरएसआई इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स को अगर फॉलो करें तो ये इंडिकेट कर रही है मिड जोन में, यानी मिड रेंज में है एट द मोमेंट। एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखिए ये क्या इंडिकेट कर रही है, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कंपनी बियरिश मूविंग एवरेज में है, यानी बियरिश मूविंग एवरेज इज इन फुल कंट्रोल रैदर देन बुलिश मूविंग एवरेज, यानी सेलर इज इन फुल कंट्रोल एट द मोमेंट। अगर हम लोग कैंडल चार्ट पैटर्न को भी ऑब्जर्व करें, यू कैन क्लियरली सी द बियरिश मूविंग एवरेज, यानी एट दिस टाइम सेलर इज इन फुल कंट्रोल। मेजर ब्रेकआउट को फॉलो करें, थोड़ा सा पीछे चले जाए, यानी जुलाई 2022 में चले जाए, आपका मेजर एक ब्रेकआउट आया था, इधर आपका ओवरसोल्ड जोन बना था। इस पर्टिकुलर जोन से क्योंकि हाई वॉल्यूम में आपका सेल हुआ था, आपको बियरिश जोन बना था एंड सेलर वाज इन फुल कंट्रोल एट दैट टाइम। एंड देन उसके बाद से आपको प्राइस मूवमेंट अपवर्ड देखने को मिला। बट अगर हम लोग करंट ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो ये आपका ना कि ओवरबॉट जोन है ना कि ओवरसोल्ड जोन है, ये आपका मिड रेंज में इंडिकेट कर रही है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में भी देखें कि एमएसआई इंडेक्स एंड आरएसआई इंडेक्स आपका मिड जोन में इंडिकेट कर रही है, एंड इधर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका मिड जोन में है। तो अगर इस जोन से ये आपका ऊपर की तरफ जाता है, यानी इस पर्टिकुलर जोन में अगर जाता है तो आपका ओवरबॉट जोन बनेगा, यानी टू दैट टाइम आपका काफ़ी हाई वॉल्यूम में ट्रेड होगा, हाई वॉल्यूम में आपका बाई होगा शेयर्स, तो आपको प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद से अगर ये पर्टिकुलर जो नीचे की तरफ जाता है, नीचे में मीटअप करता है, तो आपको ओवरसोल्ड जोन बनेगा, यानी एट दैट टाइम सेलर विल बी इन फुल कंट्रोल। तो आपको उस पर्टिकुलर जोन से आपको प्राइस मूवमेंट अपवर्ड की तरफ देखने को मिलेगा, बिकॉज काफ़ी ओवरसोल्ड होगा। अगर ओवरसोल्ड होगा तो आपको प्राइस मूवमेंट अपवर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाटा स्टील का फिनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी फिनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट्स का। टोटल रेवेन्यू कंपनी ने मेंटेन करके रखा है, लास्ट 3 क्वार्टरली रिजल्ट से आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला लास्ट 3 क्वार्टरली रिजल्ट से। अगर नेट प्रॉफिट को भी देखोगे तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट से। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को क्लोजली फॉलो करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट 3 क्वार्टरली रिजल्ट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू हो, तो कंपनी ने कंटिन्यूसली अपना इम्प्रूवमेंट किया है फिनेंशियल को, क्वार्टरली अपना लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट से या लास्ट 3 क्वार्टरली रिजल्ट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट करके रखा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है जब भी एक स्टॉक सिलेक्ट करते हो। अब हम लोग कंपनी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी आप कोई भी स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको कंपनी के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इधर आप स्टॉक में गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कंपनी में जान के देन ओनली इन्वेस्ट करना चाहिए, रैदर देन स्टॉक रिकमेंडेशन से बाई सेल नहीं करना चाहिए। स्टील का अगर हम लोग मार्केट शेयर को देखें तो 16.13% आपका क्रूड स्टील में है एंड 43% आपका स्टील जो कि ऑटो सेक्टर में काम आता है उस सेक्टर 43% उधर है एंड 8% स्टील ट्यूब में है। अगर हम लोग टाटा स्टील का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को फॉलो करें तो ये स्टील डोमिनेटेड कंपनीज है। टाटा स्टील 93.7 है एंड टाटा स्टील का अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप को फॉलो करें, यानी कहाँ ये अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर करती है, तो इंडिया में 48% है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 51.9% है, यानी कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर करती है। टाटा स्टील का अगर कस्टमर सेगमेंट को देखें तो B2B आपका, यानी बिजनेस टू बिजनेस आपका 33% है, बिजनेस टू कंज्यूमर आपका यानी B2C मॉडल में 27.7 है, जहाँ B2B ऑटोमेटिव में 11.6 है, B2EC है आपका 21.4% है, आदर्श में आपका 6.3% है। ये हम लोग कस्टमर सेगमेंट के बारे में हम लोग जान लिए। सप्लायर्स कौन कौन अवेलेबल है, सप्लायर्स ये आपका सप्लायर्स लिस्ट है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये आपका कंपनी का लिस्ट है, जैसे एसीपीसी लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, ये आपका कंपनी का सप्लायर्स है जो कि कंपनी को सप्लाई करती है। एंड टाटा स्टील का अगर कस्टमर सेगमेंट को देखें तो अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जैसा कंपनीज अवेलेबल है, हिंदाई है, टोयोटा है, ऐसा अच्छा कंपनीज आपका टाटा स्टील का कस्टमर सेगमेंट में है। एंड नेक्स्टली हम लोग टाटा स्टील का फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो रुपीज़ 1,27,897.59 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो और अंडर वैल्यूड सेगमेंट में है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है 3.42%, यानी एट दिस करेंट रेट नियर अबाउट ₹5.10 के आसपास कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो डेट है वो है 32,275.47 करोड़ का डेट है। एंड अगर हम लोग कैश रिजर्व्स को देखें तो उसके अगेंस्ट कैश रिजर्व्स भी अवेलेबल है, 2855.29 करोड़ का कैश रिजर्व्स अवेलेबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26 है, तो कंपनी लो ऑन डेट टू इज कैपिटल है, यानी इंसॉल्वेंसी होने का चांस काफ़ी कम है। कंपनी ने प्रॉफिट एंड सेल्स को काफ़ी इंक्रीज़ किया है, मेंटेन करके रखा है। हम लोग फिनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट में भी देखें। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स काफ़ी बढ़िया है। कंपनी ने अपना एफिशिएंटली अपना शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स को मैनेज करके प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स 33.9% है, यानी हाई प्रोमोटर्स होल्डिंग्स है। हम लोग शेयर होल्डर्स पैटर्न को भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कंटीजियन लाइबिलिटीज़ आपका 34,643.16 है, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी कैश रिजर्व्स अवेलेबल है 2855.29 करोड़। क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26 है, यानी लेस देन 1 है, तो कंपनी लो एंड डेट टू इज कैपिटल है, तो इंसॉल्वेंसी होने का चांस काफ़ी कम है। कंपनी का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है पॉजिटिव कैश फ्लो है, नेगेटिव कैश फ्लो नहीं है, पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। एंड अगर हम लोग शेयर लॉस पैटर्न को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें टाटा स्टील का, तो इधर प्रोमोटर्स आपका 33.9% है, जहाँ इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स 41.46 है, नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स यानी पब्लिक आपका 23.91 है, यानी प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स मिला के नियर अबाउट 76% है। एक कंपनी के पास प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स सभी आती है जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो एंड कंपनी का रेवेन्यू मॉडल काफ़ी बढ़िया हो। एंड एट द मोमेंट कंपनी ट्रेड कर रही है 104.65 पे, एंड लास्ट 3 इयर्स में ये 285% के आसपास आपको प्रॉफिट बना के दिया है। एंड जब भी आपको स्टॉक सिलेक्ट करते हो आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। कोई भी स्टॉक में अगर निवेश करते हो, कोई भी एक सेक्टर में आप निवेश मत कीजिए। कुछ स्टॉक आप IT सेक्टर का रखिए, कुछ स्टॉक आप केमिकल सेक्टर का रखिए, एंड कुछ स्टॉक आप फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर का भी रखिए। ऐसा ही कुछ फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर के बारे में अगर जानना है तो आपको लेफ्ट एंड राइट आपको दोनों वीडियोस मिल जाएगा। आप वीडियो को चेकआउट कीजिए, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी स्टॉक के बारे में जानना हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।